देखिए रंग जाऊं तेरे रंग में, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। आंखें क्यों बंद करी है तुमने? धानी, खोलो आंखें अपनी। अरे देखो वो कमरा जो तुम्हारी बहन के लिए सजवाया था हमने और जिसमें तुम चली आई हो। मंडप में तुम सृष्टि की जगह ले लोगी और इस कमरे में चली आओगी तो ये ध्रुव तुम्हारा हो जाएगा। पापा ने तो अपनी इज्जत के आगे मजबूर होकर शादी का फैसला लिया, लेकिन तुम्हें किसने हक दिया इस शादी के लिए हाँ कहने की? किसने दिया हक हमारी जिंदगी बर्बाद करने की? मना कर सकती थी ना तुम, हाँ तो क्यों नहीं किया मना तुमने? तुम तो जानती थी ना ये हम तुमसे कितनी नफरत करते, पसंद नहीं करते तुम्हें। सिर्फ तुम्हारी बहन के कहने पे हम तुमसे बात करते थे क्योंकि तुम्हारी बहन तुम्हें बहुत पसंद करती, बहुत प्यार करती है। उन्हीं के कहने पे हम इज्जत से तुमसे बात करते थे। अरे एक बार भी नहीं सोचा कि तुम हम तीनों की जिंदगी बर्बाद कर रही हो। डॉक्टर ने कहा है कि अभी सृष्टि खतरे से बाहर नहीं है, अगले 48 घंटे उसके लिए बहुत भारी है। हमारा प्यार इतना कमजोर नहीं कि जोर हवा से भी बिखर जाए। पापा, हम सृष्टि जी को ढूंढ कर रहेंगे और उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर रहेंगे। भाई साहब, किस मुंह से आपका धन्यवाद करें समझ में नहीं आ रहा। आपने अपना वादा पूरा किया, हमारी थानी को संभाल लिया, वरना उसकी गृहस्थी की चिंता में हम तो खुले जा रहे थे। ना ही हम ये आपका फैसला मानेंगे और ना ही ये रिश्ता। आप जबरदस्ती इस लड़की को हमारे घर में तो ले आएंगे, लेकिन हम इसे हमारी बहू का दर्जा कभी नहीं देंगे। इस लड़की का गृह प्रवेश करा के हमें अपने घर को श्रापित नहीं करना है। अब तो बस भोलेनाथ से एक ही प्रार्थना है कि जिस तरह से उसने हमारी थानी की गृहस्थी बसा दी, बस उसी तरह से हमारी सृष्टि को भी सही कर दे। फोन बजा था इसलिए आए थे अंदर फोन लेने। हम जा रहे, बस जा रहे। अभी तुम फोन का बहाना कर रहे हो, बाद में कपड़े, चप्पल, चद्दर, तकिया, इन सब का बहाना करोगे तो बेहतर है कि तुम एक काम करो, अपना सारा सामान एक बार में इस कमरे से बाहर ले जाओ, ताकि दोबारा इस कमरे में आने का कोई बहाना ना मिले तुम्हें। ये तुम्हारा। ये सब उठाओ ताकि आइंदा तुम हमारे कमरे में आए घुसने का कोई बहाना ना ढूंढ सको। निकलो।